students, a very good morning to all of you, and I hope all of you are doing your studies regularly. So students, हम revision work start कर चुके हैं and revision के लिए आपको questions दिए जा रहे हैं video based. जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उससे based आपको question दिए जा रहे हैं. I hope आप सभी उनको revise भी कर रहे हैं. Learning is the must. Do your written work as well as learning work. So continue our chapter, that is transport and communication. In this chapter we already read the land transportation, and in land transportation we discuss the roadways and railways. We already discussed the waterways. So today we will discuss air transport. Aaj hum air transport ke bare mein padhenge. It is the fastest means of transport. Fastest means matlab agar hame distance cover karna hai to sabse jaldi jo distance hum cover kar payenge wo air transport ki wajah se. Okay. रिड्यूस डिस्टेंस. डिस्टेंस रिड्यूस होने का मतलब है कि जो टाइम है ट्रेवल करने में, जो टाइम लगता है वो मिनिमाइज हो गया है. जहां पर हम ट्रेन के थ्रू बहुत एक दिन में दो दिन में पहुंचते हैं, वहां पर हम कुछ घंटों में ही एयरवेज का यूज करके हम कुछ घंटों में ही वहां पर पहुंच जाते हैं. सो टाइम रिड्यूस हुआ है. एंड फास्टेस्ट मीन्स है डाइवर्स टेरेन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन. डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, सपोज करिए फ्लड कहीं पर आई है तो उसके लिए सक्सेसफुल वहां पर एयर ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि रेलवे ट्रैक तो खराब हो जाते हैं, जो रोडवेज है उनको भी हम यूज नहीं कर सकते हैं जब फ्लड आती है. तो वहां पर सक्सेसफुल क्या होंगे, हमारे हेलीकॉप्टर्स. डाइवर्स टेरेन मीन्स हिली एरियाज में रेलवे ट्रैक नहीं होते हैं, रोडवेज भी वहां पर कम होते हैं. सो वहां पर भी एयर ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज्यादा सुटेबल है वहां पर जाने के लिए. एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया में 1911 में स्टार्ट हुआ था. एंड ये जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसने 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया था. अलाहाबाद से नैनी तक थी पहली फ्लाइट. ओके, नैनी इज इन आल्सो इन यूपी. सो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस था 10 किलोमीटर का. तो 1911 आप याद रखिए, अलाहाबाद टू नैनी. ओके, सो किसके कंट्रोल में, इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर है जो कंट्रोल करता है एयर ट्रांसपोर्ट को, दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. वी कैन ऑल्सो राइट दैन AAI. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया is responsible for safe, efficient air traffic. Air traffic है वो safe हो, efficient हो, and aeronautical communication. आप देखते हैं जो pilot है वो communicate करते हैं, ठीक है. तो इस communication के लिए कितनी flights है उनके सारे जो records होते हैं वो इसी department के पास में होते हैं. Okay. Airport Authority of India manages, कितने manage कर रही है, 125 ports manage कर रही है, जिसमें international सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है. डोमेस्टिक सर्विसेज के साथ साथ इंटरनेशनल सर्विसेज, पैसेंजर, जिसमें पैसेंजर आ जाते हैं, कार्गो सर्विस, सामान एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना, कार्गो सर्विस एंड पैसेंजर की जो मूवमेंट हो रही है, दैट इज इन अंडर द AAI. ओके, एंड पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ज्यादा सक्सेसफुल है. हमने पढ़ा था कि जो टेरिन, माउंटेनियस टेरिन है या अंडुलेटिंग टेरिन है, जहां पर माउंटेन प्लेट्यूज ज्यादा है वहां पर हम रेल के थ्रू नहीं जा सकते हैं. तो लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है, तो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए और जो टेरेन है, जो रिलीफ है, वो भी माउंटेनियस है, तो वहां पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पवन हंस हेलीकॉप्टर वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं. नाउ वी डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरलाइंस. इंडियन एयरलाइंस की क्या हिस्ट्री थी, देखिये 1911 में एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड. तो 1911 में मैंने बताया था आपको कि अलाहाबाद से नैनी तक पहली फ्लाइट थी, तो एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया है वो लॉन्च हुआ था. एंड 1947 में एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए 4 कंपनीज अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी. तो इंडियन नेशनल एयरवेज ये पहली कंपनी थी, देन टाटा सन्स लिमिटेड, देन एयर सर्विस ऑफ इंडिया, एंड लास्ट वन इज डेक्कन एयरवेज. तो 1947 में जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, द 4 मेजर कंपनीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर ट्रांसपोर्टेशन. ओके, तो 1947 में 4 कंपनीज है उन्होंने एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है वो प्रोवाइड करनी स्टार्ट करी थी. एंड 1951 में 4 और कंपनीज ने ज्वाइन कर लिया, मतलब 4 प्राइवेट कंपनीज और आ गई जो एयर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करने लगी. दैट वर भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया एंड कलिंगा एयरलाइंस. तो ये 4 और कंपनीज थी जो कि अपनी सर्विस प्रोवाइड करने लगी. उसके बाद में 1953 में इंडिया में एयर ट्रांसपोर्टेशन था वो नेशनलाइज हो गया, मींस गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया.
कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनको खत्म करके कुछ गवर्नमेंट की कंपनीज बनाई गई, जिनमें की टू कंपनीज मेन थी, मींस टू कंपनीज बना दी गई, मींस टू कॉर्पोरेशन नाउ वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन थी रिस्पॉन्सिबल. फर्स्ट वन इज एयर इंडिया इंटरनेशनल एंड सेकेंड वन इज इंडियन एयरलाइंस. इंडियन एयरलाइंस का नेम चेंज होकर के इंडियन हो चुका है. ओके, सो जो एट कंपनीज थी उनको मर्ज करके टू ही कंपनीज बना दी गई, एयर इंडिया इंटरनेशनल एंड इंडियन एयरलाइंस. उसके बाद में 1992 में एक ओपन स्काई पॉलिसी आई, जिसने जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स मर्चेंट्स थे उनको ये एक बेनिफिट था कि वो अपने कोई भी कमोडिटी है उसको फॉरेन कंट्री में लेके जा सकते हैं सेल करने के लिए, या फॉरेन कंट्री से कोई भी एसोसिएशन या कंपनी है वो कोई भी फ्राइट कोई भी कमोडिटी है उसको लेकर के जा सकती है एयरवेज के थ्रू. तो मींस 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो किया था, मतलब जो टैक्स बैरियर लगे हुए थे, जो ट्रेड बैरियर लगे हुए थे, ट्रेड करने पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पे जो हैवी टैक्सेस थे उनको रिमूव कर दिया गया, ताकि हमारी कंट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो फ्रीली हो सके. ऐसा इसलिए करा गया था क्योंकि इंडिया के जो इंडस्ट्रीज हैं उनको आगे तक ले जाना था, क्योंकि ब्रिटिशर इंडिया में तब तक रहे, उन्होंने बहुत एक्सप्लॉयटेशन करा, इंडिया की इंडस्ट्रीज है उनका इंटरनेशनल मार्केट में कहीं पर भी उनका प्लेस नहीं था. सो उनको मोटिवेट करने के लिए WTO और इंडियन गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो किया, मींस हम फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं फॉरेन कंट्री के साथ में. तो ट्रेड करेंगे तो या तो गुड्स वहां से लेके आनी पड़ेगी या इंडिया से लेके जाएंगे वो, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रोसेस को फ्री करने के लिए ओपन स्काई पॉलिसी दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1992 एंड लिबरलाइजेशन 1991, कहीं ना कहीं 1992 की ये पॉलिसी ये सपोर्ट कर रही लिबरलाइजेशन. ओके, सो ये क्या थी ये पॉलिसी अगर पूछा जाए, ओपन स्काई पॉलिसी, कि फ्रीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सके, तो कोई भी कमोडिटी या कोई भी गुड्स है, कोई भी प्राइवेट एसोसिएशन या कंपनी है वो इंडिया से कमोडिटीज लेके जा सकती है, इंडिया के एक्सपोर्टर दूसरी कंट्री में कोई भी कमोडिटीज लेके जा सकते हैं. दैट वाज द ओपन स्काई पॉलिसी. नेक्स्ट इज पाइपलाइन. लैंड ट्रांसपोर्ट में पाइपलाइन एक न्यू मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिसमें हम ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड गैस पाइपलाइन को इंक्लूड करते हैं. मेनली इसमें गैसियस एंड लिक्विड जो भी कमोडिटीज होती, गैसियस एंड लिक्विड जो मटेरियल है उसको को ट्रांसपोर्ट करा जाता है, बट अब सॉलिड्स हैं जैसे मिनरल्स हैं उनको उनको स्लरी के फॉर्म में हम आगे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. सो पाइपलाइंस आर मोस्ट कन्वीनियंट, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है लिक्विड एंड गैसियस जो भी मटेरियल है उसको लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर पहुंचाना है तो उसके लिए पाइपलाइन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है. ऑयल इंडिया लिमिटेड इज एंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस. पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन होता है, नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन होता है, उसको उसका एक्सट्रैक्शन करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड कॉरपोरेशन के पास है. ओके, ऑयल वॉज फाउंडेड इन 1959. ऑयल इंडिया लिमिटेड है वो 1959 में बना था आफ्टर इंडिपेंडेंस. ऑयल कंस्ट्रक्टेड एशियाज फर्स्ट क्रिस क्रॉस कंट्री पाइपलाइन कवरिंग 1157 किलोमीटर. एशिया में इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसमें क्रिस क्रॉस पाइपलाइन बनी हुई है, पूरा जो नेटवर्क है क्रिस क्रॉस पाइपलाइन का, एंड उसका जो डिस्टेंस है वो है 1157, जिसमें नाहरकटिया टू बरौनी, नाहरकटिया आसाम में है एंड बरौनी है बिहार में. सो नाहरकटिया से बरौनी एंड उसके बाद में कानपुर यूपी तक पाइपलाइन है. और अगर हम वेस्ट की बात करें, इंडिया के जो वेस्टर्न स्टेट है उनमें गुजरात मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश को कवर करती हैं. अंकलेश्वर एंड से कोयाली तक एक पाइपलाइन है जो कि गुजरात में है. देन मुंबई हाई से कोयाली तक जो कि महाराष्ट्र में है. और एक बहुत ही फेमस पाइपलाइन दैट इज HVJ, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर. हजीरा गुजरात, विजयपुर मध्य प्रदेश एंड जगदीशपुर इज इन उत्तर प्रदेश. सो ये जो पाइपलाइन है बहुत ज्यादा फेमस है, पूछी जाती है. हजीरा गुजरात में है, विजयपुर मध्य प्रदेश में एंड जगदीशपुर यूपी में है. तो HVJ पाइपलाइन इज द मोस्ट फेमस पाइपलाइन. ओके, सो रिसेंटली भी कंस्ट्रक्शन हुआ है पाइपलाइन का, उसके डिस्टेंस है 12,056 किलोमीटर जो कि सलाया गुजरात से मथुरा तक है,
यूपी में मथुरा है। सो गुजरात से मथुरा तक है जिसका डिस्टेंस 1256 किलोमीटर है एंड इसमें सप्लाई होता है ऑयल, ऑयल सप्लाई होता है। तो गुजरात से पंजाब तक पहुंचता है ऑयल एंड ऑयल कंस्ट्रक्टिंग 660 किलोमीटर। एक और पाइपलाइन का यहाँ पर बताया है जो है नुमालीगढ़ टू सिलीगुड़ी, ये नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में है ये पाइपलाइन। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पाइपलाइन जिसमें पहली हमने डिस्कस करी है नाहर कटिया टू बरौनी एंड देन कानपुर, मींस असम बिहार एंड यूपी तक। उसके बाद में नेक्स्ट पाइपलाइन थी अंकलेश्वर से कोयाले तक एंड मुंबई हाई से कोयाले तक जोड़ती है, ये डिस्टेंस है। एंड उसके बाद में एचवीजे पाइपलाइन हजीरा विजापुर एंड जगदीशपुर पाइपलाइन, एचवीजे पाइपलाइन। एंड नेक्स्ट वन इज जो रिसेंटली अभी कंस्ट्रक्ट हुई है 1256 जिसकी लेंथ है डिस्टेंस कवर करती है सलाया टू मथुरा तक। इसमें जो पेट्रोलियम ऑयल है उसका ट्रांसफर होता है गुजरात से पंजाब तक। एंड एक और है नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में 660 किलोमीटर नुमालीगढ़ टू सिलीगुड़ी तक। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन ऑफ इंडिया। सो ट्रांसपोर्टेशन पार्ट है इस चैप्टर का वो हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने लैंड ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइन के बारे में पढ़ा है एंड वाटरवेज एंड एयरवेज के बारे में स्टडी हम कर चुके हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सो कम्युनिकेशन नेटवर्क में एंशियंट टाइम में जो कम्युनिकेशन था वो किस तरह से होता था। अभी तो मोबाइल फोन है हमारे पास में, सोशल मीडिया है, टेलीविजन है, ईमेल हम यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो ये तो मॉडर्न मीन्स है। लेकिन एंशियंट टाइम में अगर हमें मैसेज कन्वे करना है तो बीटिंग ड्रम को बीट करके दूसरों तक मैसेज पहुंचाया जाता था, या एनिमल्स के थ्रू, या फास्ट रनर्स थे उनके थ्रू, या फिर स्मोक का इंडिकेशन दे करके। स्मोक का इंडिकेशन मीन्स यहाँ पर कुछ हो रहा है तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए भी ऐसी चीजें यूज की जाती थी। तो ये थे एंशियंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो इनिशियली जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे वही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जैसे हॉर्स की अगर हम बात करें वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है, लेकिन मैसेज कन्वे करने के लिए भी उसका यूज किया जा रहा है। तो इनिशियली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो सेम थे, बट अब हम डेवलपमेंट हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, हमारे पास में न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड हुए हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा फास्ट एंड ईजी बना दिया है। यानी कि हम फॉरेन कंट्री में अपने घर बैठ करके फॉरेन कंट्री से में हम अगर हमारे कोई रिलेटिव रहते हैं तो उनसे हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बिना कोई देरी करे हुए। मतलब जितना हम इंडिया में, जितनी जल्दी हम इंडिया में ही कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपने रिलेटिव से, उतना ही हम आउटसाइड इंडिया यानी कि अब्रॉड में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपने रिलेटिव से। सो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, दैट इज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस की वजह से। सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम कैटेगराइज करते हैं टू पार्ट में, उनका स्केल एंड उसकी क्वालिटी कैसी है। स्केल मतलब हम जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो कितने लोगों के पास में जा रहा है, तो दैट आर पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जब हमें मैसेज कन्वे करना हो पर्टिकुलर किसी पर्सन को, मीन्स हम मैसेज कर रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं। सो ये सब आते हैं पर्सनल मीन्स ऑफ, या हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, वो पर्सनल है, हमने मैसेज कन्वे करा एक पर्टिकुलर पर्सन को। बट मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है जैसे कि हम एडवर्टाइजमेंट आ रही है टीवी में, वो मास कम्युनिकेशन है सब लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए। टेलीविजन, रेडियो, मैगजीन, न्यूज़पेपर, दीज आर द सोशल मीडिया जो हम आप यूज करते हैं, फेसबुक, ये सब क्या है, मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, मैसेज कन्वे करना होता है नंबर ऑफ पीपल के पास में, बहुत ज्यादा लोगों के पास में जब हमें मैसेज कन्वे करना हो मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज करेंगे। सो फर्स्टली वी रीड अबाउट द पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे पहले आता है इंटरनेट। इंटरनेट ने पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को या मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा इजी बना दिया है। वाइडली यूज्ड इन अर्बन एरिया, यहां पर लिखा हुआ है कि इंटरनेट यूज्ड इन वाइडली यूज्ड इन अर्बन एरिया, बट ऐसा नहीं है, अभी तो रूरल एरिया में भी इंटरनेट का बहुत अच्छे से यूज किया जा रहा है। ओके, सो डिपेंड करता है कि वो अर्बन एरिया कहाँ पर है, मतलब ज्यादा रिमोट एरिया या ट्राइबल एरिया वहां की बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली जो हमारे इंडिया में जो रूरल एरिया है वहां पर भी इंटरनेट का यूज किया जा रहा है। सो ईमेल, हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन, डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज
वर्ल्ड में जो भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज है वो हमें ईमेल से मिल जाती है। इंटरनेट में हम ई कॉमर्स कर सकते हैं, मतलब घर बैठ करके हम बिजनेस कर रहे हैं, ई कॉमर्स कर सकते हैं एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन भी हो सकता है, यानी कि हम ऑनलाइन बैंकिंग जो यूज करते हैं, ट्रांजेक्शन मनी का जो ट्रांजेक्शन होता है वो भी ऑनलाइन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। पेमेंट करनी है आपने, आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी है, दैट इज द पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही था कि आपने पर्सनली किसी को जाकर के पैसे देने थे उसकी बजाय आपने उसके अकाउंट में पैसे डलवा दिए हैं इंटरनेट का यूज करके, ये भी पर्सनल मीन्स है। इंटरनेट प्रोवाइड एफिशिएंट इन्फॉर्मेशन एट अ लो कॉस्ट, बहुत ही कम कॉस्ट पर इन्फॉर्मेशन या डाटा है वो अवेलेबल हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। सो पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आप इंटरनेट में लिख सकते हैं ईमेल या मैसेज, दीज आर द पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। द पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वी विल डिस्कस द मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में भी हम जैसे रेडियो पर कोई भी प्रोग्राम आ रहा है, टेलीविजन पर कोई भी प्रोग्राम आ रहा है, वो मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, या न्यूज़पेपर में कुछ भी प्रिंट हुआ है, ओके मैगजीन में कुछ भी लिखा गया तो उसको बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के पास में वो मैसेज जा रहा है। सो फर्स्ट वन इज रेडियो, जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, तो फर्स्ट वन इज रेडियो। रेडियो क्लब बॉम्बे में स्टैब्लिश हुआ था सबसे पहले, स्टार्टेड रेडियो ब्रॉडकास्ट इन 1923, और इसमें जो प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे लोगों के लिए, जो इसमें जो भी कम्युनिकेशन था वो स्टार्ट हुआ था, वो 1923 में स्टार्ट हुआ था। सो किसने स्टार्ट किया था? रेडियो क्लब, दैट इज इन बॉम्बे। बॉम्बे में रेडियो क्लब ने प्रोग्राम स्टार्ट करा था ब्रॉडकास्ट करना, मतलब लोगों तक ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी 1923 से। चेंज द सोशियो कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल, और जब 1923 में रेडियो पर प्रोग्राम्स आने लगे, लोग उनको सुनने लगे, तो लोगों की सोशल एंड कल्चरल लाइफ है वो भी काफी चेंज हुई, क्योंकि उसमें जो प्रोग्राम्स आते थे तो एक एंटरटेनमेंट का सोर्स मिल गया था लोगों को, इन्फॉर्मेशन का सोर्स मिल गया था, जिससे कि लोग आपस में जुड़ रहे। तो इस इन्फॉर्मेशन का एंड इन प्रोग्राम्स का लोगों के लाइफ पर काफी इम्पैक्ट पड़ा। गवर्नमेंट ब्रॉट रेडियो अंडर कंट्रोल 1930। अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में कब आ गया जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग थी, ये करी स्टार्ट तो करी थी। सो ये स्टार्ट तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने करी थी स्टार्ट, लेकिन इसको गवर्नमेंट ने कब कंट्रोल में कर लिया? 1930 में, ठीक है, और उसको नाम दे दिया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है ये, गवर्नमेंट ने जब इसको टेक ओवर कर लिया था 1930 में, तब इसको नाम दिया गया था। उसके बाद में 1936 में इसका नाम चेंज AIR हो गया, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। तो 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम था, 1936 में एयर इंडिया रेडियो हो गया, ठीक है, AIR जिसे बोलते हैं। उसके बाद में 1957 में अगेन ही आकाशवाणी इसका नाम हो गया, जो भी ब्रॉडकास्टिंग चल रही थी रेडियो की उसको आकाशवाणी नाम दे दिया गया 1957 में। अब ब्रॉडकास्टिंग के प्रोग्राम, इसमें किस टाइप के प्रोग्राम आते थे? एजुकेशन से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एंड एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, और स्पेशल बुलेटिन, न्यूज के स्पेशल न्यूज आती थी इसमें राज्यसभा एंड लोकसभा के डिस्कशन पर भी, ओके। जैसे फार्मर है उनके लिए वेदर फॉरकास्टिंग के बारे में, या कौन से उनको जो क्रॉप्स हैं उसके बारे में भी डिस्कशन किया जाता था। सो रेडियो में हमने देखा कि रेडियो क्लब स्टार्ट हुआ था 1923 में, ब्रॉडकास्टिंग इसने स्टार्ट कर दी थी 1930 में, गवर्नमेंट ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम इसको नाम दिया एंड इसको टेक ओवर कर लिया 1930 में, एंड उसके बाद में 1936 में इसको AIR ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया, 1957 में आकाशवाणी इसको नाम दिया गया। इसमें प्रोग्राम एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट से रिलेटेड आते हैं, एंड स्पेशल न्यूज बुलेटिन आती थी किसके लिए? राज्यसभा एंड लोकसभा के लिए, एंड फार्मर्स के लिए भी इसमें न्यूज होती है, ओके। सो टेलीविजन इज ऑल्सो मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज मोस्ट अफेक्टिव ऑडियो विजुअल, ऑडियो एंड विजुअल। जब हमने रेडियो देखा था दैट इज ओनली ऑडियो था वो, बट इसमें विजुअलाइज भी था टेलीविजन में, ठीक है। सो इससे हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट का सोर्स था ये। टीवी सर्विसेज वर इनिशियली लिंक्ड टू NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली की जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंडर में जो एरिया आता है वहीं पर इसकी सर्विसेज प्रोवाइड थी स्टार्टिंग में, मीन्स 1959 तक जो दिल्ली है वहां तक इसकी सर्विसेज प्रोवाइड थी, बट 1976 में डीलिंक्ड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो से ये डीलिंक होकर के इसका नाम दे दिया गया है अलग से, दूरदर्शन इसको नाम दे दिया गया टेलीविजन को, एंड उसके बाद में कॉमन नेशनल प्रोग्राम दिखाए जाने लगे, मींस एंटायर सर्विस वर एक्सटेंडेड टू, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स थे जो बैकवर्ड एंड रूरल एरिया, मतलब हर कहीं पर
टेलीकास्ट होते थे ये कॉमन नेशनल प्रोग्राम से, मतलब ऑल ओवर इंडिया में वो सारे जो प्रोग्राम्स है उनका टेलीकास्ट होता था. ओके सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. आज हमने एयर ट्रांसपोर्ट, लाइन एंड मींस ऑफ कम्युनिकेशन है वो करे, एंड द फर्दर रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट. तो बेटा जो वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, यू हैव टू डू देम. आपको उन्हें करना है, अपनी नोटबुक में राइट करना है एंड उनको लर्न भी करना है, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. रिवाइज देम, लर्न देम एंड राइट देम ऑल्सो. ओके सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज एंड फॉलो योर टाइम टेबल. थैंक यू.